नवी पसूड़ी पाती बाबे नानक ने, करोना करोना कराती भी बाबे नानक ने। पंजाबी गायक प्रीत हरपाल आए विवादा विच, गीत विच कीती आपत्तिजनक शब्दां दी वरतों, श्री गुरु नानक देव जी बारे बोले विवादित बोल, मामला पकता देख प्रीत हरपाल पहुंचे श्री अकाल तख्त साहिब। सिंगरां दा काम विवादां विच रहना। पंजाबी सिंगरां दा विवादां नाल गूढ़ा नाता है। आए दिन कोई ना कोई सिंगर अपनी गायकी, गीतां, कारनामियां ते विवादां करके चर्चा दा विषय बने रहंदे ने। जिवें कि तुसी सब जानदे हो कि गायक सिद्धू मूसेवाला लंबे समय तो विवादां विच चल रहा। कदे कदे ता इंज प्रतीत हुंदा है जिवें सिद्धू मूसेवाले दा विवादां नाल नूं मास दा रिश्ता होवे। हुण गायक प्रीत हरपाल भी विवादां दा हिस्सा बनदे दिखाई दे रहे ने। दरअसल सिंगर प्रीत हरपाल वालों सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक ते गुरु नानक देव जी बारे आपत्तिजनक शब्दावली दा प्रयोग करदे होए अपने गीत राही सिखां दीआं धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाई गई। सुनो प्रीत हरपाल दा इह विवादित गीत। नवी पसूड़ी पाती बाबे नानक ने, करोना करोना कराती भी बाबे नानक ने। नवी पसूड़ी पाती बाबे नानक ने, सारे लोकी मास्क लाउंदे। इस तो बाद जिवें ही प्रीत हरपाल दा एक गीत वायरल होया तां प्रीत हरपाल ने सफाई देंदिया की कहा, तुसी आप ही सुन लवो। बेअदबी कीती आ, ए कीता। पहली गल तां मैं ए तुहानू दस देवां वीर कि मैं सिख फैमिली च जम्मिया, सिख फैमिली दे रूल सिद्धांत मैं फॉलो करदा और मेरी अगली पीढ़ी भी उन्हें ही फॉलो करती है। मैं अपने बच्चों सिख सरदार इस करके बना रहा। सिख तो चलो बहुत वड्डा नाम है, सिखी बहुत वड्डा नाम है, वो तो फुल स्वरूप हो गए तो फिर। पर उन्होंने मैं केस शुरुआत इतों की, उन्होंने मैं केस रखवाए, उन्होंने अपने गुरुओं बारे दसदा, ठीक है। उन्होंने जिन्नी क मैनू पता हिस्टरी उन्नी क मैं हिस्टरी दसन की कोशिश करदा, ठीक है। जिन्नी क मैं अपने मापियां तो सुनी जां जिन्ना क मैं पढ़िया। गुरु नानक पातशाह मेरे लिए मेरे आइडल ने, मेरे वो गुरु ने, मेरे पीर ने, मेरे पैगंबर ने। उन्होंने नाम तो मेरा दिन शुरू हुंदा, उन्होंने नाम तो मेरा दिन खत्म हुंदा। और ये चीज़ मैं सारे इंटरव्यू दे विच हुण कह रहा, मैं जिंदगी कभी इस चीज़ को मार्केट नहीं किया, कभी चीज़ को दस्या नहीं। जिहड़ा एडा वड्डा जिहड़ा ये कोरोना वायरस फैलिया है ना, सो इतों ही मेरे दिमाग च वैसे मैं लाइना बोलती अणजाणपुणे च कि भाई जिहड़ियां तुसीं लाइना मैं हुण दोबारा की बोलां, ते वो मैं टिकटॉक ते पाईआं। टिकटॉक ते असीं फिर उत्थों तुर पए आं, ते रस्ते च घंटा डेढ़ घंटे दी मतलब ड्राइव सीगी, असीं रस्ते च रुके तां मैं वैसे टिकटॉक खोल के देखिआ, मैं कहा वेखदा भी किन्ने क व्यूज़ आ गए ने। वैसे जिवें जनरली आपां आर्टिस्ट लोग देखदे आं, ते वह तीन चार मैं कमेंट पढ़े, वो कमेंट थोड़े नैगेटिव सके। फिर मैंने लग्या कि उधले पासे नूं ना तुर पे, जिधले पासे नूं गल तुर पई ऑलरेडी है ना, तो मैं राइट वे वो डिलीट करती। उस वेले मैं डिलीट करती भी नहीं, मतलब जे लोगों के मन के गलत भावना पैदा हो रही है तो मतलब मैं लगता कि मेरे तो गलती हो गई है, तो मैं डिलीट करती। मामला पकदा देख गायक प्रीत हरपाल अकाल तख्त साहिब पुजे, तो माफीनामा सौंप के अपने शब्दों लई माफी भी मांग ली। हुण सवाल ये उठते ने कि गायक जानबूझ के झूठी शोहरत लई धार्मिक भावनावां भड़काउण तों गुरेज नहीं करदे, जां फिर सिंगरां नूं विवादां विच रहना चंगा लगदा है। लोड़ है सिंगरां नूं साफ सुथरी गायकी दी अते विवादां तों दूर रहिंदे, तां जो किसे दी वी धार्मिक भावनावां नूं ठेस ना पहुंचे।